जय श्री माता जी। सभी के पास में दो तीन दिन है, अब हमें दो तीन दिन इस सहजता का प्रयास करना है। हम कितने सरल तरीके से ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर एक दृष्टि मात्र डालनी। समस्या ये हो जाती है कि हम ध्यान करना शुरू कर देते, चक्र नाड़ी देखना शुरू कर देते, फिर एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स बैठिए आराम से। बहुत कुछ चीजें हमारे अंदर जानी है, उसके लिए अपने आप को खुला रखना पड़ेगा। और अगर हम एक कंडीशन व्यक्ति की तरह से ध्यान में बैठेंगे तो सब बाहर रह जाएंगे। और जहां तक वाइब्रेशंस की बात है, वाइब्रेशन हर समय यहाँ कार्यान्वित हो रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, तो उसकी चिंता मत पालिए, वो तो अपना कार्य करते ही है। लेकिन जब हम जबरदस्ती चित्त लगा करके एक मुद्रा लगा के बैठते हैं, फिर हम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं। ये बिल्कुल आराम से बैठिए, ये आनंद का विषय है और आनंद के तरीके से ही घटित होना है। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं यहां क्यों आया हूं। ऐसी क्या चीज है जो मुझे अभी तक नहीं मिली है। मेरी आपसे विनती है कि आप कृपया करके ध्यान जबरदस्ती मत लगाइए, हम अपने सिस्टम को गलत दिशा दे देंगे। आराम से बैठिए, अभी सब अपने आप होगा। थोड़ी देर बाद आप महसूस भी सुन रहे हैं, वो भी बिल्कुल रिलैक्स होकर के सुनिए और चैतन्य को महसूस करते जाइए साथ साथ। अब अपना जो सीधा हाथ है उसे जमीन पर रखते, जो सीधा हाथ है उसे जमीन पर रखें। जब हम इस तरह से बैठते हैं तो ये जो पोस्चर है, ये जो मुद्रा है, ये दर्शाती है कि हम परमात्मा से चाहते क्या है। कुछ लोग यहाँ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बैठते हैं, किसी को यहां दर्द हो रहा है, किसी को वहां दर्द हो रहा है,
किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, किसी के साथ वैसा नहीं हो रहा है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज है। तो श्री माता जी से पहले उस परम इच्छा को मांगिए जिसके लिए हमें सहयोग प्राप्त हो, और ये सबकी व्यक्तिगत इच्छा है। इसलिए जो भी मन के भाव आते हैं उन भावों को श्री माता जी के सामने व्यक्त कीजिए। श्री माता जी मैं तमाम इच्छाओं से, पुराने संस्कारों से, जड़ताओं से, आलस्य से, भय से, निराशा से, उदासीनता से, पुराने संस्कारों और कुसंस्कारों से भरा पड़ा हूं, इनसे बाहर आना चाहता हूं श्री माता जी। अब इसे जस्टिफाई मत करिए कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, एक्सेप्ट करके बोलिए श्री माता जी मेरे अंदर ये सारे तत्व मौजूद हैं, मुझे इससे बाहर निकलना है। चिंता, परेशानी, दुख, निराशा, भय आजीवन हमारे साथ चलते रहते हैं, क्योंकि अभी हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई श्री माता जी। इसलिए आप हमें ज्ञान प्रदान कीजिए, फिर से बात अपने चित्त में लाइए कि श्री माता जी मैं चिंताओं से, भय से, निराशा, उदासीनता, अशुद्ध इच्छाएं, जड़ता, आलस्य, संस्कार, कुसंस्कार, अविद्या, अज्ञान, अंधकार, इन सबसे जकड़ा था। श्री माता जी मैं इन सबसे मुक्त होना चाहता हूं, अब सब इतना देखिए कि हमारे अंदर बदलाव क्या महसूस हो रहा है। अगर कुछ लोग ध्यान करेंगे तो भी झपकी लेने लग जाएंगे, तो आप कोशिश करें कि आंखें या तो खुली रखिए, ये भी सतर्कता महसूस हो रही है तो आंखें बंद कर सकते। श्री महाकाली साक्षात, श्री भैरव नाथ साक्षात। साक्षात श्री साक्षात
जब कुंडलिनी हमारे अंदर कार्य करती है तो हमें उस समय विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम सहयोग में बहुत कट्टर हो जाते हैं तो एक एक चीजों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं वाइब्रेशन आ रहा है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, ये सब प्रश्न शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो दिमाग है स्थिर नहीं है, तो उसको ये प्रश्न ना करने दीजिए। उसको बोलिए कि तुम शांत रहो, करने वाला ब्रह्म चैतन्य है, तो तुम क्यों जज कर रहे हैं। माता जी सामूहिक रूप से वेबसाइट पर जो भी हम सभी के अटैक हुए हैं तो सबसे हम मुक्त होना चाहते हैं और परमात्मा के कार्य के लिए सदैव उपलब्ध रहना चाहते हैं। तो लेफ्ट साइड में होती है हमारी व्यक्तिगत इच्छा, राइट साइड में होती है परमात्मा की इच्छा, मतलब उनकी योजना। तो यहां पर हमें अपनी सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा रखनी चाहिए। ये इच्छा नहीं कि मुझे ये तकलीफ है, मेरी ये समस्या है, लेकिन शुद्ध इच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जो हमारे अंदर है वो शुद्ध इच्छा शक्ति है। उसके अलावा वो कोई भी बात को नहीं समझते। आप उसके सामने कितना भी गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, कुंडलिनी उठेगी नहीं। चाहे हमें कितनी भी जेन्युइन प्रॉब्लम भी क्यों ना, वो केवल एक ही चीज से उठती है, वो है शुद्ध इच्छा। शुद्ध इच्छा मतलब आत्मा स्वरूप होने की इच्छा, उस परमात्मा तत्व से एक रूप होने की इच्छा। उसको हम अलग अलग नामों से कह सकते हैं, शिव तत्व, तुरी अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, नाम अलग अलग है, बात एक ही है।
आपको गोद में रख लेंगे। आंखें खोल लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, अपने शरीर को हल्का कर लीजिए। छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करिए, जैसे अभी हम बैठे हैं, कुछ लोग जबरदस्ती ध्यान लगा रहे हैं। इससे होता क्या है कि हम आज्ञा चक्र पे एक अनावश्यक प्रेशर दे रहे हैं, दबाव है वो विकसित करने लग जाते हैं। जैसे आज्ञा चक्र पे दबाव आ, हमारी जो चेतना का मूवमेंट है वो नीचे की तरफ होने लग जाता है, वहां से वो टर्न हो जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे की तरफ बहने लग जाती है, क्योंकि उसको मार्ग नहीं मिलता है। इसके लिए श्री माता जी ने इतने लेक्चर्स में कहा है कि जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे अवरोधित हो तो उसको उसी स्थिति में छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती खींच करके तालू खिलाने का प्रयास करते हैं, और ये एक तरह की खतरनाक प्रक्रिया है। तो उसके लिए मां कहती है कि इस तरह से कई लोग आज्ञा चक्र टूट चुके हैं, एक हठ योग से हम करने लग जाते हैं यहां। इसलिए अपने सीधे हाथ के फिर से फ्रंट आज्ञा पे रखिए, ये आदत जाने में थोड़ा समय लेगी लेकिन चली जाएगी। इन्हीं सब बातों का हमें अभ्यास करना है अपनी व्यक्तिगत साधना में। तो अपने सीधे हाथ को मस्तिष्क पर रखकर अपने आप से कहिए कि तुम क्यों परेशान होते हो, तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो, श्री माता जी मुझे संज्ञान का समुद्र दीजिए कि मुझे कुछ करना है, कि मेरे अंदर सबसे बड़ी अज्ञानता है। अब इसी हाथ को सिर से तालू से फिर से ऊपर रखिए, तो अपने आज्ञा चक्र को भी महसूस करिए और सिर के तालू पर जो चेतना है, चैतन्य है, उसको भी महसूस करिए। बड़ी सरल प्रक्रिया, हम कोई जटिलता नहीं कर रहे हैं, कोई नवीन बात नहीं कर रहे हैं, जो बताई गई है सब साधारण रूप से बिल्कुल सरल चीज। इस सरलता में हमको पहले उतर जाना। हाथ को सामने कर लीजिए, अब अपनी तरफ देखिए कि कोई जटिलता कोई कठिनाई है हमारे साथ,
कि हम कठिन तरीके से ध्यान में बैठे हैं कि बिल्कुल सरल बैठे हैं। आंखें खोल के कहीं मत देखिए, अपनी तरफ देखिए, कहीं मत देखिए, आंखें खुली रखते हुए अपनी तरफ दृष्टि रखिए। जब तक हम यहाँ हैं तब तक चैतन्य में वेरिएशन आते रहेंगे, वो हर समय हमारे अंदर कार्यान्वित है, इसलिए उसकी चिंता मत पाइए। पहले तो उसको प्रतिक्रिया विहीन स्थिति से देखते रहिए। सबको ये अभ्यास लगाना पड़ेगा, इस चेतन में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, तभी हम आने वाले भ्रमों से बच पाएंगे। उन्हीं भ्रमों से निकलने के लिए श्री माता जी ने सब व्यवस्थाएं की, इसलिए अपने चित्त को इस चैतन्य में तल्लीन रहने दीजिए। इतना सरल बैठ सकते हैं इसका अभ्यास करिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अल्टीमेटली अंततः हम आनंद अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि हमने बिल्कुल हाथ कड़क करके, सिर कड़क करके चित्त को जबरदस्ती उठाना बैठाना ये करना शुरू कर दिया तो तीनों दिन हम उस तत्व से दूर रहेंगे जो हमारे अंदर प्रवेश करना चाहता है, लेकिन वो ये देखता है कि हम कितने सहज हैं। कहीं देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी तरफ ही देखिए। अभी का ये जो सेशन है इसमें हम सिर्फ छोटी छोटी बारीक बारीक सूक्ष्म बातों की तरफ दृष्टि डालें और इसको अपने व्यक्तिगत ध्यान में इनकॉर्पोरेट करें, शामिल करें। ये कोई प्रक्रिया, नई युक्ति, नया विचार नहीं है, ये सरलता की बात है, सहजता की बात है। इसलिए कोई ये ना समझे कि कोई नई बात बताई जा रही है, कोई भी नई बात नहीं, सिर्फ सरलता और सहजता की बात है। उसको हम कितने डेलिकेटली बड़ी नजाकत के साथ में महसूस कर सकें। मैं ध्यान करूंगा, मुझे ध्यान करना है, मैं ये जो है सबसे पहली गलती है ध्यान की, इसको हमें धीरे धीरे त्याग देना है।
मेरे अच्छे वाइब्रेशन, मेरे वाइब्रेशन कम है, मेरे बहुत ठंडे हैं, मेरे गर्म है। इस विचार से भी स्वयं को निकाल दीजिए। मुझे तो बहुत गहरा होना है, मुझे डीप जाना है, ये विचार भी निकाल दीजिए। बच्चा कभी, छोटा बच्चा कभी अपने आप को ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत डीप हूं, लेकिन आसपास का समाज जानता है कि वो डीप है, सहज है। तो जब हम सहज होंगे तो उसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा। यदि किसी को विचार आते भी हैं तो इस मस्तिष्क की तरफ नजर करके बोलिए, तुम ये सारे विचार करके क्या कर लोगे, तुम्हें इससे मिलेगा क्या? या अगर हम ध्यान में परेशान हो रहे हैं किसी भी कारणवश, हिलते डुलते हैं, हाथ इधर उधर करते हैं, एक अंदर कुलबुलाहट सी रहती, बेचैनी सी रहती, पूछिए अपने आप से, आप क्यों बेचैन है? उसका एक ही कारण है जिससे आप सभी लोग सहमत होंगे कि तुम करना चाह रहे हो वो नहीं रहे, तो हम विचलित रहते। देखिए हमारा चित्त कहीं इधर उधर जा रहा है, उसको वहां से हटाइए, ये सब मिथ्या है। फिर से उसे चैतन्य को ले आइए। आंखें खोल लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स ही है वैसे तो हम, लेकिन थोड़ा बहुत जो हम अपने ऊपर एक तनाव ले आते हैं ध्यान कर, उसको थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए, हल्का। अब हम श्री माता जी का एक स्पीच सुनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है,
देखने का प्रयास करते हैं कितने लोग इसकी गहराई को समझ पाते हैं। छोटा सा स्पीक हम लगाएंगे ताकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन से हम उसको सुन सकें। अब जब श्री माता जी का स्पीच लगता है तो कई लोग ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं ध्यान करने लग जाते हैं, ध्यान करते रहते हैं और वो स्पीच क्या बताया जा रहा है वो सब साइड में चला जाता है। हमें ये नहीं करना, हम इस चैतन्य को महसूस करते हुए जो श्री माता जी एक एक बातें चुपके चुपते भी जाएगी अंदर गुस्से में, तो इसलिए आंखें खुली रखिए। पहले आपकी आंखें कब बंद हो जाएगी और कब ध्यान करने लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और थोड़ी देर पता चलेगा अच्छा स्पीच खत्म हो गया पता भी नहीं चलेगा। आंखें खुली रखिए, बिल्कुल खुले मस्तिष्क से रिलैक्स होकर के प्रसन्न चित्त होकर के श्री माता जी एफर्टलेसनेस के बारे में बहुत सुंदर बात बताती हैं, प्रयास की स्थिति के बारे में कि प्रयास से क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें श्री माता जी ने बताया। तो आप ध्यान करेंगे ना तो वो सब साइड में चला जाएगा। ये सब युक्तियां हैं जो हमें ध्यान में मदद करती हैं, लेकिन हम फिर चित्त को ऊपर खींच के लेके बढ़ जाते हैं, हमें लगता है हम बहुत गहरा ध्यान करते हैं, लेकिन हम गहरा ध्यान करते ही वास्तव में हम कहीं इधर उधर चले जाते हैं घूमने फिरने, शरीर यहीं बैठा रह जाता है, मन कहीं घूमने फिरने चला जाता है। शारीरिक रूप से तो हम उपस्थित रहते हैं लेकिन दूसरे स्तर पर हम बाहर रहते हैं, उसको हम ध्यान
और ये ऐसे बनाए हुए छोटे शब्द इस तरह से
इसकी मूल बात को समझिए। जैसे मार्क्स में कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, मां कहते हैं आपको किसने कहा ये सब करने। जैसे कई सहजीव भी आते हैं, कहते हैं कि साहब हम इतना करते हैं, इतने मंत्र लेते हैं, इतने ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारी जो करने की क्रिया है वो हमें पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। इसका मीनिंग हमें सूक्ष्म में समझना ये है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें करना नहीं है कुछ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें बाकी चीजें नहीं करनी, वो सब करनी है, लेकिन जो करने का भाव हमारे अंदर है उसको समाप्त करना है। क्योंकि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके साथ में जो करने का भाव है वो उस क्रिया की जो गति है उसको मंद कर देता है, धीमा कर देता है, के अंदर की सहजता धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इसे भी हम महसूस कर रहे हैं। तो इस समय देखेंगे इस समय हमें क्या चाहिए, लेकिन जो राइट स्टेटेज आदमी होगा वो क्या करेगा, वो ये देखेगा इधर नहीं आ रहा, उधर नहीं आ रहा, इसको ऐसे करो, वो मंत्र लेना शुरू कर देगा मन ही मन में, उसके मंत्र चलते ही रहेंगे कंटिन्यूस मन में। मतलब उसका जो सिस्टम है अंदर का वो बहुत विचलित है, और वो सोचता है कि वो बहुत सारे मंत्र ले लेगा, प्रार्थना कर लेगा तो वो ठीक कर लेगा। तो बीचों बीच रह करके संतुलन में रहते हमें इस बात को समझना है, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म है, जो चीज सूक्ष्म होती है उसको दिमाग से समझ नहीं सकते हम, उसके लिए दिमाग का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए दिमाग को स्थिर करना नहीं है, क्योंकि दिमाग को यदि हम स्थिर करने गए तो दिमाग और तेज हो जाएगा। अभी देखिए इस समय अपने अंदर आंख बंद कर लीजिए। सबसे बड़ी नेगेटिविटी है कि हम दूसरों को बहुत देखते हैं, अपनी तरफ देखिए और उसमें अपना सारा समय निकाल देते हैं। श्री माता जी आपको सामने बैठ के दे रही हैं, उसकी तरफ ना देख के हम दूसरी तरफ देखना शुरू कर दें। और ये जो करने वाला पक्ष है इसको साक्षी होकर देखिए, महसूस करिए कि अभी इसमें बहुत शांति है। जो करने का भाव है वो बिल्कुल शांत हो गया। जैसे जिनको ध्यान में झपकी आती, नींद आती है, उसका कारण होता है कि नाड़ियों में असंतुलन होता है। तो जब ध्यान की सूक्ष्म अवस्था की तरफ हम पढ़ते हैं तो कुंडलिनी पर कार्य करती है और वो व्यक्ति सो जाता है। ऐसे समय बहुत अलर्ट स्टेट में बैठना है।
अब जो आसपास शांति छाई हुई है और हमारे अंदर जो शांति है अंदर, उन दोनों में सिमिलैरिटी या कोई समानता है क्या? अंदर की शांति और जम्मू और फैली हुई शांति जब एक हो जाती तब ये जो कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। इसकी अनुभूति की जा सकती है, इसका प्रयास नहीं किया जा सकता। अगर हम सोचे कि हम प्रयास से इसको कर लेंगे तो नहीं हो पाए। कुछ लोग शांति को महसूस कर पा रहे हैं अच्छे से, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा अलर्ट हो जाए। अगर इस समय हमने उसको लपक लिया तो हम इस बैठक को सार्थक कर पाएंगे। बिल्कुल प्रयास ही, बार बार इसने बोलना पड़ता है क्योंकि हमारे संस्कार बहुत जड़ है करने के, और कई वर्षों के हैं, एक दिन के नहीं। तो वो बार बार हावी होते हैं कुछ करने की जो भावना है। ये अभ्यास के माध्यम से हमें अपने आप को बार बार टोकना पड़ेगा ध्यान, तुम फिर करने लग गए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो?
आंखें खोल के देख सकते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ लोग थोड़ा होते हैं परेशान, शुरुआत में लगेगा, लेकिन एक समय बाद बिल्कुल हम शांत हो जाएंगे। अपने सीधे हाथ को हृदय पर रखिए, लेफ्ट हार्ट पे। सभी लोगों को एक साथ से गाना है और इसमें एक एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन है, सभी को साथ साथ इसके दोहराते जाना है, क्योंकि ये सत्य स्वरूप बात है। जैसे हम कोई सत्य स्वरूप बात कहते हैं तो कुंडलिनी और आत्मा इस पर रिस्पॉन्ड करती है, उस पर प्रतिक्रिया देती है। जब उस कुंडलिनी और आत्मा की प्रतिक्रिया आती है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, परमात्मा की जो प्रतिक्रिया होती है वो आनंदित करती है, मनुष्य की जो प्रतिक्रिया होती है वो भ्रम में डालती है, लेकिन परमात्मा की जो प्रतिक्रिया होती है वो हमें आनंद की तरफ ले जाती है। हम सभी लोग शिवो हमको सभी को गाना है, साथ साथ इसके इस भाव से कि हम सब ये आत्मस्वरूप हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। सभी लोग गाइए।
सभी लोग गाइए
हाथ को हृदय से थोड़ा सा ऊपर रखें, थोड़ा सा ऊपर उठाइए इस हृदय से। कहिए यही सत्य है, इस शरीर के बाद में यही रह जाएगा और इस शरीर के पहले भी यही था, संसार के पहले भी यही था और संसार के बाद भी यही रहेगा। आपको सामने कर लेंगे, हृदय पे महसूस कीजिए, अपने मस्तिष्क को महसूस कीजिए, सिर के ऊपर, हाथों पर। जो लोग ऑनलाइन इसको महसूस कर रहे हैं वे भी इसी को अनुभव कर पाए। बिल्कुल हिलिए डुलिए मत, ये प्रवाह है चैतन्य का, उसको सिर्फ कार्य करने दीजिए, उसमें कोई इंटरफेयर मत करिए, उसको घटाने बढ़ाने मेंटेन करने का कोई विचार मत रखिए। सबकी चेतना का स्तर अलग अलग होता है और उसकी सतर्कता का स्तर भी अलग अलग होता है। इसलिए जितना हम सतर्क रहेंगे उतना इस तत्व का अच्छे से अनुभव कर पाएंगे, इसमें तल्लीन हो पाएंगे, इससे एक रूप हो पाएंगे। तो इसमें बने रहने की चाहत रखिए,
क्योंकि ये सारे जो क्षण हैं ये रिपीट नहीं होते हैं। दोनों हाथों पर सिर पर देखिए प्रवाह है। धीरे धीरे आंखें खोल के श्री माता जी की ओर निरंजन दृष्टि रखिए। निरंजन मतलब जिसमें कोई रंजना ना हो, सब देखती मात्र है वो दृष्टि। कहीं भी देखिए श्री माता जी की तरफ, और अभी इस समय जो तत्व काम कर रहा है उसको महसूस कर लीजिए ठीक से। दोनों हाथ जोड़ करके कुछ मत बोलिए, सिर्फ दोनों हाथ जोड़िए।
आंख को खोल लाइटली, शरीर को और हल्का करें, रिलैक्स करके बैठिए। थोड़ा बहुत जो हमने तनाव दिया हो उसको भी रिलीज कर दीजिए। अब ये जो भी हमने अभी आधे पौन घंटे की घटना हुई, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये क्या चीज है। और अब हम अपने मेडिटेशन में जब व्यक्ति के ध्यान में बैठेंगे तो कौन सी चीजों का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहाँ हमारे साथ समस्या है, और कहाँ भी हमें काम करना है। अगर हम इससे ये चीज सीखेंगे नहीं तो हम मात्र मेडिटेशन करके चले जाएंगे और जैसा डर्रा चलता था वैसे ही चलना शुरू हो जाए। जब तक हम उसमें कुछ चीजें शामिल नहीं करेंगे अपनी साधना में, यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं हम व्यक्तिगत साधना की बात कर रहे हैं, पहले तो दिमाग में रख लीजिए। जो हम सेंटर्स पर मेडिटेशन करते हैं उसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम से करते रहिए। यहाँ जो भी बातें हो रही है वो सब अपने व्यक्तिगत बैठक की बात होती है, इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखिए किसी प्रकार का, न खुद भ्रमित होइए न हमें स्वयं को कैसे बैठना है, बिठाना है, किस तरह से अपने आप को समझना है, जानना है और फिर आगे बढ़ना है। जब हम ध्यान से उठे तो एक संतोष महसूस होता है कि अब हम संतोष में हैं, हमारे मस्तिष्क में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कुछ करने का भाव नहीं है। आंखें खुली रखिए और अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व करते रहिए कि मुझे क्या समझना है। किस तरह से मुझे अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। जय श्री माता जी। दो तीन दिन हम जो भी यहाँ करेंगे, जो भी अनुभूति होगी, हमें पूरा विश्वास है कि उसमें सभी प्रश्नों के जवाब हमें मिल जाएंगे, सब प्रश्नों के। कुछ प्रश्नों के जवाब इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम किसी ना किसी अज्ञानता में इस तरह से फंसे हुए हैं कि हम किसी पर्टिकुलर, जिसे बोलते हैं, किसी विशेष समस्या को लेकर ही बैठे रहते हैं। तो ध्यान हमारा आध्यात्मिक नहीं बन पा रहा, हमारा ध्यान सांसारिक, भौतिक और जड़ चीजों पर आधारित है। बहुत कम साधक होते हैं जिनका ध्यान आध्यात्मिक हो पाता है। ध्यान का आध्यात्मिक होना एक अलग अवस्था है और सांसारिक, भौतिक, जड़ और शरीर आधारित ध्यान एक अलग चीज होती है। उसको इस तरह से हम देख सकते हैं, अभी इस समय महसूस करिए कि इस समय हमारी क्या अपेक्षा है, इस समय हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया है,
इस समय हमारा कौन सा अपना चित्त जो है समस्याओं पे, व्यक्तिगत समस्याओं पे जा रहा है? अगर नहीं जा रहा और हम पूरी तरह शुद्ध दीक्षा में बने हुए हैं, जैसे एक रूप है, इसका मतलब ये ध्यान जो है आध्यात्मिक स्थिति में, और जितनी बैठक इसमें जमती जाएगी धीरे धीरे वो ज्ञान प्राप्ति की तरफ हमें लेके जाएगी। ज्ञान प्राप्ति मतलब बौद्धिक चीज नहीं, जो भी कुछ सच है उसकी अनुभूति होना शुरू हो जाती। जैसे हम अपने चारों तरफ नजर घुमाएं तो हमें कौन सा सच दिखाई देता है? जो हाथों पे हो रहा है, सिर पे हो रहा है, ये क्या है? अगर वो सच है तो फिर ये क्या है? इस तरह से हम बातों का पता लगा सकते। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न चल भी रहे हैं तो कुछ समय के लिए होल्ड कर रखिए, 1-2 दिन के लिए, तो तुरंत अपने प्रश्न बोलना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है अरे ये भैया है, ये सब बता देंगे ना, उससे कोई किसी के प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता है। ध्यान से हम सब प्रश्नों के जवाब ढूंढ सकते हैं, और जब हम स्वयं ढूंढेंगे तो हम खुद के गुरु बनेंगे। लेकिन हम ढूंढते नहीं हैं, हमें जैसे कुछ प्रश्न होते हैं हम पूछना शुरू कर देते हैं। हम खुद ही इत्मीनान से श्री माता जी के सामने बैठने का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि हमारा विश्वास कम रहता है, हमें लगता है कि शायद हमें उससे जवाब नहीं मिलेंगे। अगर सांसारिक, भौतिक और जड़ चीजों की समस्याओं का विचार लेकर हम सहयोग करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम सहयोग कभी समझ में आ पाएगा, क्योंकि ये तो सूक्ष्म ज्ञान है और हमारा चित्त तो जड़ का है। तो जड़ से चेतन की जो यात्रा है, उसमें अगर हमारा चित्त जड़ पे ही बना रहा तो हम चेतित नहीं हो पाएंगे। महसूस करिए, वाइब्रेशन देखिए सभी लोग, और सुंदर तरीके से क्रियान्वित है। और जिन्हें नहीं हो तो परेशान होते रहते, तो हिलते डुलते रहते हैं, यही करते रहते हैं, उनको लगता है कि हमारी सब क्रियाओं से हमें ज्यादा वाइब्रेशन आ जाएंगे। नहीं भी आ रहे तो भी आप समाधान में बैठिए, कुछ अंदर सिस्टम में मौजूद है जिस पर कुंडलिनी कार्य कर रही है, थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे अभी बताया ना श्री माता जी अल्पधारिष्ठ पाए रामदास स्वामी जी, कि हमारे थोड़े से भी धैर्य को परमात्मा देखते हैं। और इसी स्पीच में मां कहती हैं कि जितना प्रयास करेंगे पीछे ढकेले जाएंगे। फिर हमें लगेगा कि हमने तो इतना सब कुछ किया, हमने हवन किया, हमने पूजन किया, फिर भी हमें क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पर जब भी हम 3 दिन रहे हैं, हर समय इस चैतन्य को महसूस करते रहे। आप यदि आपस में बात भी कर रहे हैं तो भी इसकी अनुभूति करते रहे। ये जरूर है कि चैतन्य में वेरिएशंस आते रहेंगे, घटना बढ़ना चलता रहेगा, लेकिन जब वाइब्रेशन घटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे उस समय हमारे अंदर कार्य चलता है। तो जब हमारे अंदर कार्य चलता है तब तो उस समय धैर्य रखना चाहिए। सडन हम एक रिएक्शन दे देते हैं,
एक प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते। तो ये जो प्रतिक्रिया करने की आदत है हमारे अंदर, ये अहंकार से आती है, इसके मूल में अहंकार होता है। जब अहंकार की तुष्टि नहीं होती है, उसका पोषण नहीं होता है, तो प्रतिक्रिया करता है। तो जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, इसको महसूस कर रहे हैं, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो इससे धीरे धीरे जो अहंकार की समस्या है वो भी खत्म होती जाती है। इसलिए जो सहयोग में सबसे ज्यादा क्रिया करते हैं वो कभी भी शांति से नहीं मिल पाते। सामान्यतः देखा गया है एक शांति ठहराव उनके अंदर नहीं आता। कुछ क्रिया करने का जो अहंकार है वो हमें शांति से बचने नहीं देता। और इतने वर्ष यदि सहयोग करके हम शांति से नहीं बैठ पाए तो इसका मतलब हमने कुछ भी महसूस नहीं किया। हम सांस उठा पाएंगे